जूनागढ़ थी डॉक्टर प्रद्युम्न खाचरना आप सौ दर्शक मित्रों ने राम राम। आजे बात करवी छे माणा वगर राज्य अने रमत गमत। आजादी पहला काठियावाड़ में रमत गमत ने विकसावी अने टकावी राखवानू तथा देश दुनिया में ए रमतों ने फैलाववानू काम देशी रजवाड़ाओए कर्युं हतुं। एमां क्रिकेट में तो काठियावाड़े पोतानू नाम रमत जगतना इतिहास में सुवर्णाक्षरे कोतरावी विश्वनु ध्यान काठियावाड़ तरफ खेंच्युं हतुं। जाम रणजीनु नाम तो क्रिकेट प्रेमीओनी जीभे अचूक आवेज। जूनागढ़ना युवराज दिलावर खानजी क्रिकेटना जबरा शौखीन हता। मांगरोना जाहिद शेख क्रिकेट क्षेत्र में नामांकित खिलाड़ी हता। आनु कारण हतु राजीवना राजकुमारों ने राजकोटनी राजकुमार कॉलेज माथी ज रमत गमतनु गौरवपूर्ण शिक्षण अने वारसो मळतो अने रमत गमत में अव्वल नंबरना रसिकजन अने खेलाड़ी बनता। बिलखा राज परिवारना यजुवेंद्र सिंह वाला जग विख्यात क्रिकेटर बनिया छे। जे 7 कैच करवानो वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाव्यो छे। पोरबंदरना महाराणा नटवर सिंह जी ईस्वीसन 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम ना कैप्टन बनेला। जामनगरना दुलीप सिंह जी नी विश्वना 10 श्रेष्ठ खिलाड़ियों में गणना थती। जेमना नामे पोरबंदर में श्री दुलीप क्रिकेट स्कूल बंधाई हती। राजकोटना ठाकुर साहेब प्रद्युम्न सिंह जी रणजी ट्रॉफी टीम ना कैप्टन हता। एमना युवराज मनोहर सिंह जी पण रणजी ट्रॉफी टीम ना कैप्टन बनी ए वारसो जाळव्यो हतो। आपणे जेना राज्यनी वात करवाना छीए ए माणावदरना खान साहेब गुलाम मोहिउद्दीन खानजी हॉकी टीमना कैप्टन रह्या हता। तेमने क्रिकेटनो अद्भुत शौख हतो। आ उपरांत लीमड़ीना घनश्याम सिंहजी तथा मूळीना धर्मेन्द्र सिंहजी अने जितेन्द्र सिंहजी क्रिकेट क्षेत्रना उजळा नामो गणाय छे। मोटा भागना राजवीओ रमत गमतना बेजोड़ शौखीन हता। तेथी तेवो अंगत रस लईने अनेक कार्यक्रमों करता। नहीं के रमत गमत में रस नहीं अने ते खेलकूद महोत्सव नु उद्घाटन करे एवं त्यारे नहतु। खुद शासक ने रस होवाथी रमत गमत में खेल दिली जोवा मळती हती। माणावदरना खान साहेबे पोताना राज्य में क्रिकेट ग्राउंड हॉकी ग्राउंड पहलवानों माटे मकानों क्रिकेट पीच स्कोरबोर्ड बनावेल। राजमहलना परिसर में आरसीसी नी क्रिकेट पीच 1942 में बनावी हती। क्रिकेट जोवा माटे स्टेडियम बांधेल। स्कोरबोर्ड में तो रन जोवा मळे साथे साथे लाइव कॉमेंट्री पण स्पीकर में अपाती हती। माणावदरनी क्रिकेट पीच ऊपर हमीर इलाही पृथ्वीराज नजर अहमद फजल अहमद गिरधारी इंद्रजीत नामना नामांकित खिलाड़ी रमी गयेला। माणावदरनी हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में 1935-36 में विजय मळ्यो हतो। ए टीम में सुल्तान खान गुरु नारायण सिंह फसाद सन्नाद याहिया खान अनवर कैप्टन मोहम्मद हुसैन गुलाम मोहिउद्दीन खान जगन्नाथ शाहनूर सुलेमान वगैरह वगैरह हता। ईस्वी सन 1925 में नवाब फतेहद्दीन खान की पुण्यतिथि बेगम फातिमा सिद्दीकाए हिंदुस्तान में पहलवानों ने माणावदर बोलावी कुश्ती मेला आयोजन करे। ये मेला उद्घाटन गुरु हनुमान पहलवान हाथे करवामां आव्युं हतुं। आ कुश्ती मेला में जहां गुलाम मोहम्मद गामा पहलवान सामे कोई टक्कर लई शक्यु नहोतुं। माणावदर राज्य में फूटबॉल गोल्फ कुश्ती नाड़ा खेंच घोड़ा दौड़ गाड़ानी रेस कोथड़ा दौड़ वगैरह रमतों रमाती हती। जानीता गायक
KL સાયગલ એક મહિનો રમતો જોવા માણાવદરમાં રોકાયા હતા. આજે માણાવદરમાં ખાનનો પેલેસ, જોરાવર બાગ, પહેલવાનોનું મકાન, સ્વિમિંગ પૂલ, ક્રિકેટ પીચ, સ્કોરબોર્ડ એમાંનું અમુક નાશ પામ્યું છે અને અમુક નાશ થવાની અણી ઉપર છે. માણાવદર રાજ્યએ આઝાદી સમયે જૂનાગઢના ચીલે ચાલી પોતાનું રાજ્ય ગુમાવ્યું અને ખાને પાકિસ્તાનમાં જ આ બધું જ છોડી અંતિમ શ્વાસ લીધા. ખાન સાહેબ ક્રિકેટના જબરા ખેલાડી હતા અને તેઓ પાકિસ્તાનના હોકી ફેડરેશનના પ્રમુખ બને. માણાવદરની હોકી ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો હતો. ગુલામ મહીઉદ્દીન ખાને રણજી ટ્રોફીમાં 1935 અને 1941માં પશ્ચિમ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેમના મોટા પુત્ર અસલમ ખાન ક્રિકેટર બનેલ, જેઓને 1953માં પાકિસ્તાનમાં હિલાલ એ કાયદે આઝમનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. ગુલામ મહીઉદ્દીન ખાનજીની 13 ફેબ્રુઆરી 2003ના રોજ 92 વર્ષની વયે માણાવદરને યાદ કરતા કરતા ભૂતકાળ અને વારસાને જોતા જોતા અવસાન થયું હતું. કાઠિયાવાડના નાના એવા 24 ગામડાના રાજ્યએ માણાવદરમાં રમત ગમતના ક્ષેત્રે આટલો બધો રસ લઈ અને આટલું બધું વિકસાવ્યું હતું તે આજના સમયે આપણને ઘણો બધો બોધપાઠ આપી જાય છે.